हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह देखिए रेसिपी बन रही है। क्या बन रही है भैया? ये देखिए टमाटर, टमाटर जला। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टमाटर खाइए। देखिए दुनिया लाल टमाटर हमने मार जला के टमाटर को दिखा रही है। जला के टमाटर दिखा रही हूं। ये चटनी बना रही है, टमाटर की चटनी। लहसुन को भी भूज रही है। इधर वो हो रहा है बथुआ, उधर बथुआ बना रहे हैं। गैस बंद कर देती हूं और मिर्ची भी भुनी हुई इसी। ये इसकी बनाएंगे टमाटर की चटनी। मूवी जैसा लग रहा होगा ना, नींद नींद जैसा भी उठी होऊंगा, पता सो गया। आज की छुट्टी थी इसलिए, आज की छुट्टी थी इसलिए आज थोड़ी लेट तक सोई है। ये देखो अब ये मिर्च भी भून रही है। इसको लहसुन भून गया है। देखिए लहसुन ये देखिए इसने सब कुछ भूंज लिया है और छील ली मैं उनको। अब ये लहसुन छील रही है इसको जला अभी के। खाएगा बाबू? मैं नहीं खा रहा, मेरे को गर्म लग रहा है। नहीं, वो नहीं खाएगा ना ऐसा। ठंडी में सही लग रहा था ना बच्चों के लिए। भूंज के ऐसे हो गया, देखो छिलके भी ऐसे उतर रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से। और इसने टमाटर का तो लुक ही चेंज हो गया पूरा। ये मिर्च भी छील रहे हो भाई? हाँ, मिर्ची भी मतलब ऊपर जगह चलता है ना। रेसिपी बड़ी अच्छी बना रहे हो तुम। बथुआ की पूड़ी बनाऊंगा। पिछले व्लॉग में देखा बथुआ के पराठे बनाए इन्होंने, अब पूड़ियां बनाएंगी। क्योंकि खत्म करना है ना गांव का। अच्छा ये देखो इसने टमाटर भी छील लिया, दोबारा से उसको लाल बना। देखो दोबारा छील लिया इसने और दोबारा से उसका छिलका उतार के लाल हो गया। देखो क्यों धो नहीं सकते ना, गरम भी है। धो दो ना तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है, इसीलिए ऐसे छीलो तो ज्यादा बढ़िया। मैं वो कर रही थी, क्या कहते हैं, मतलब उबल गया था तो उसके बाद मैं पानी निकाली थी उसके थाली में, मतलब थाली में रख के उसको सिलबट्टे से पीस लेती हूँ। ये देखिए इतनी कढ़ाई भर के रखी थी और देखिए थोड़ा सा बचा है। ये देखिए पीस ली हूँ मैं। अब आटा छान के अब आटे में पालक भी डाल दी हूँ और थोड़ी सी सूजी डाली हूँ मैं, इसीलिए लहसुन की वैसी बन जाए थोड़ी करंची करंची सी। मतलब थोड़ी उस वाले डिब्बे में रखी थी और थोड़ी इसमें रखी थी तो मैं वो डाल दी हूँ। अब इसमें मसाले डाल देती हूँ। मसाले में तो काली मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं डाली हूँ। और जीरा इधर पे सा रखा है उस पर चकले पे, जीरा भी डाल देती हूँ। ये देखिए मैं और नमक भी डाल देती हूँ जितना के जिसमें सही से पर जाए। और फिर उसके बाद थोड़ी सी इसमें हींग डाल देती हूँ मैं। ये देखिए मतलब तेल डाल देती हूँ पहले तो ठंड थोड़ी सी, और हींग मतलब आटा गूंद लेती हूँ। ये देखिए हींग भी डाली हूँ मैं थोड़ी सी दिखानी है इसमें, और थोड़ा मतलब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना अच्छे से आटे को गूंद लेती हूँ। ये देखिए आटा गूंद चुका है और जूते में अंदर ही पहनती हूँ। आप लोग सोचे जूता पहन, मतलब ये अंदर कमरे कमरे को ले सॉक्स गंदे हो जाते हैं ना इसलिए, और मेरी उंगली भी सूज जाती है। आटा गूंद गया फिर उसके बाद मैं चटनी बट रही थी। ये देखिए उसमें लहसुन भून के, मिर्ची भून के, टमाटर भून के और हींग और जीरा मतलब सब कुछ डाली हूँ। अब से सारे को अच्छे से पीस लेती है। देखिए मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट, सच बता रही हूँ चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। शाम मतलब आटा वाटा चटनी वटनी पीस के रख दी थी, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा के और पोछा लगा रही थी। उधर देखिए पानी गर्म हो रहा है, मैंने बोला पोछा लगा देती हूँ फिर मतलब पूरी सेकना रह जाएगा, सिर्फ सेक लूँगी मतलब आराम से नहा के लूँ। देखिए पोछा लगा के फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और बाबू के हाथ मुँह धोना है और ये भी नहाएंगे। गर्म पानी हो रहा है, मतलब आधी घंटे से मैं नहा लूँगी, आधी घंटे से नहा लेंगे। और बाबू की तो हाथ मुँह धोना है क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, तो इतनी जल्दी नहीं नहलाती हूँ मैं, दो तीन दिन बाद ही नहलाती हूँ। देखिए बाहर भी लगा रही हूँ, मैं अंदर से लगा के आ गई हूँ, अब बाहर लगा रही हूँ। देखिए
और बाबू को पड़ी गई डांट, इसलिए बाबू वहाँ पे खड़े हैं, रो भी रहे हैं, आराम आराम से रो रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा मतलब बहुत ज़्यादा आराम आराम से रो रहे हैं। और देखिए पोछा लग गया मेरे सब में, मतलब वहाँ अंदर से यहाँ तक लगाना पड़ता है देखिए, और आराम आराम से लगाती हूँ। देखिए लग ये मैं ना के आ गई हूँ, बाबू भी ना बाबू ने पॉलिश की है ना बाबू, और कपड़े पहले ही तैयार हो गया है। कहाँ जा रहे हो? और ये नहाने गए हैं, मैं आ गई नहा के, ना ठंडी लग रही है बहुत। बना लेती हूँ पूड़ियाँ, सेकने रहेंगी पूड़ियाँ सेक लेती हूँ, मैं भी कपड़े पहनूँ, कपड़े भी पहनी मतलब मैं जाने के लिए कपड़े भी पहनी हूँ अभी, मतलब अच्छे वाले दूसरे अभी तो नाइट ही पहन के आ गई थी नहा के, ऊपर से सॉल हो गई ठंडी लग रही है ना इसीलिए। देखिए नहा वहा के मैं आ गई थी, तो फिर मतलब कढ़ाई भी रख दी थी गर्म करने के लिए, फिर मैं मतलब उसमें पानी था कढ़ाई में, तो उसे मैं साफ़ कर रही थी, मतलब पानी को निकाल रही थी। और देखिए फिर मतलब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, फिर मैं उसे मेरे रिफंड डाल देती हूँ, और मतलब डाल के ऊपर रख देती हूँ उसको रिफंड को। मैं कटोरी भी थी, मतलब रिफंड जो रहती है मतलब परांठे वरांठे में बनाती हूँ ना, तो उसमें कटोरी में रखती हूँ, तो वो भी उतारी थी मैं, मतलब चकले से रिफंड लगा लूँ बेलने से, तो मतलब सूखा आटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी सूखा आटा लगा लो ना तो तेल में हो जाता है काला काला, इसीलिए मतलब फांडी लगा लो चकले से बेलने से, तो मतलब सही से बेली आती है और तेल भी नहीं ख़राब होता है। और मतलब लोइयाँ काट लूँगी मैं, देखिए मतलब आटे को आधा आधा कर ली हूँ मैं, मतलब मसल मसल के अच्छे से वो कर लेती हूँ। देखिए अब एक साथ ना सारी लोइयाँ काट लेती हूँ, देखिए एक साथ काट लूँगी ना, तो मतलब बार बार काटेंगे जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बनाऊँगी बस, और आटा रख दूँ उठा के, शाम को बनाऊँगी जितना आटा बचा है उतने से, तो अभी भी शाम को भी हम वही मतलब खा लिए चटनी, वो चटनी से और थोड़ा सा आटा रखा पूड़ी बना के, और शाम को भी खा लेंगे वही थोड़ा सा आटा रखा उसका। और ये देखिए मतलब सारी लोइयाँ काट के अब मैं थोड़ा सा आटा मतलब दबा के मिल गया, उसमें कढ़ाई में डाल दी हूँ, देखी हूँ मतलब गर्म हो, मतलब तेज सही से अच्छे से गर्म हो गया या नहीं, फिर उसके बाद दे देगी मैं पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, मतलब अच्छे से सेक लेती हूँ पूड़ियों को। और ये देखिए मतलब देखिए डाल दी मैं उसको मतलब दबा के हथेलियों से, उससे पता चल जाता है मतलब कि नहीं मतलब हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब गर्म तेल। और उसे पूड़ी हमें मतलब मैं बना लेती हूँ, देखिए अब मतलब पूड़ी बना ली हूँ, तो फिर मैं मतलब लोई भी बना बना के रख देती हूँ, और शाम को तो उसकी पाल भथुआ के परांठे बनाई थी, और सुबह पूड़ी मतलब काफ़ी सारा भथुआ था, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो वरना ख़राब हो जाएगा, ऐसी पे ये नए भथुआ भथुआ मतलब जल्दी भथुआ पालक तो जल्दी ख़राब होता है, भथुआ फिर भी चल जाता है, अभी तो सेब रखा है अभी जरा सा भी नहीं हुआ है मतलब ख़राब है। देखिए गर्मा गर्म पूड़ी है, देखिए फूली फूली पूड़ी तल दी, मतलब एक पूड़ी नहीं रही जो नहीं फूली हो, मतलब हर एक पूड़ी फूली थी सच में, जितनी बनाई थी ना मैं जितनी सारी पूड़ी ऐसी फूली बैलून की तरह, और एकदम क्रंची क्रंची थी, इतनी अच्छी मतलब एक पूड़ी लिए हम खाए, बाकी दम जाके नहीं खाए थे, वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे ही खाए थे, तो वहीं के लिए बनाई थी मैं, मैंने सोचा वहाँ जाके खा के, और अच्छी भी लग रही थी मतलब खाने में, देखिए मतलब गर्मा गर्म पूड़ी, मतलब थोड़ी सी और बना लेती हूँ, बाकी तो थोड़ी भी तो सीख गई, थोड़ी सी और बना लेती हूँ मतलब हो जाए वहाँ तक के लिए, मतलब हम दोनों के लिए। देखिए पूड़ी बन गया गर्म गर्म पूड़ी, देखी पूरी पूरी बनी है सारी, ये देखिए एक भी मतलब वैसी नहीं रही है, तो सारी पूरी पूरी है, भथुआ की पूड़ियाँ हाँ, और चटनी साथ में पूड़ी आप लोग भी खा लीजिए, और हम कहीं जा रहे हैं वो अगले वे लोग को पता चलेगा, पैक कर रहे हैं देखिए पोलिथीन पेपर, आप लोग जरूर देखिए और तुमको पता आपको पता चल जाएगा मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, और अब हम कर रहे वीडियो का एंड, वीडियो हो रही लंबी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए टाटा बाय।
बाय बाय कर दो भाई बाय।